नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। आज मेरा देश मेरे प्रधानमंत्री का तीसरा एपिसोड है। होप कि आपको सारे एपिसोड बेहद पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद आ रहे हैं तो हमारे देश रोजाना को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आज प्रधानमंत्री मोदी एपिसोड का आखिरी दिन है। पिछले एपिसोड का हमने समापन किया था कि मोदी दिल्ली में अपने कदम कैसे जमा पाए। तो बता दें कि वो RSS थी जिसकी जरूरत ने मोदी के लिए दिल्ली का रास्ता खोला। संघ को दिख रहा था कि ये काम सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं। दिल्ली की सियासत में पैर जमाने में मोदी को संघ का बहुत सहयोग मिला। इसकी अपनी कई वजहें हैं। 15 मार्च 2013 को जयपुर में RSS की बैठक में तय हो गया था कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी BJP के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और उत्तर प्रदेश के एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। मोदी के लिए संघ का ये प्रेम अचानक नहीं उपजा था। 2010 से ही इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। संघ को चिंता थी कि UPA सरकार संघ के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती थी। जुलाई 2002 में एक खबर छपने लगी थी कि जांच एजेंसियां कई मुस्लिम पूजा स्थलों पर हुए आतंकी हमलों में हिंदुओं के शामिल होने के सबूत जुटा रही। 25 अगस्त 2010 केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने पहली बार भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। जब संघ भगवा आतंक को लेकर आसेज स्थिति में था, उसी वक्त मोदी कथित इशरत जहां एनकाउंटर के मामले में आसेजता का सामना कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जांच एजेंसियां पहले अमित शाह और फिर खुद मोदी पर शिकंजा कसने जा रही थी। उस समय शाह मोदी के सबसे करीबी और वफादार साथी थे, और आज भी आप देखते होंगे कि जहां भी आपको मोदी नजर आएंगे वहां अमित शाह जरूर होंगे। BJP के 9 साल के कार्यकाल में शाह मोदी की जोड़ी बेहद हाईलाइट रही है। लेकिन एक ऐसा समय भी आया जब अमित शाह को राज्य में गृह मंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। 25 जुलाई 2010 को शाह गिरफ्तार हुए और कुछ दिन जेल में भी उनको रहना पड़ा। देश में उस वक्त UPA का शासन चल रहा था। पी चिदम्बरम उस वक्त देश के गृह मंत्री हुआ करते थे। 2008 के मुंबई ब्लास्ट के बाद शिवराज पाटिल को हटाकर पी चिदम्बरम को गृह मंत्रालय की कमान दे दी गई थी। उस वक्त सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामला सुर्खियों में था। इस मामले में CBI ने अमित शाह को आरोपी बनाया था। CBI की गिरफ्तारी से पहले अमित शाह भी 4 दिनों तक लापता रहे थे। इस मामले में अमित शाह को 3 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। उन्हें 29 अक्टूबर 2010 को जमानत मिली, लेकिन जमानत के बाद भी उनके गुजरात जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इस सबके बीच मोदी की अगुवाई में BJP ने 2012 का गुजरात विधानसभा का चुनाव लड़ा था। BJP 182 में से 115 सीटों पर उस समय जीती थी। इस चुनाव से साफ हो गया कि कांग्रेस का सामना मोदी ही कर सकते हैं। 2014 के चुनाव में संघ का सीधा दखल दिखा। संघ ने न सिर्फ मोदी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने का रास्ता साफ किया, बल्कि कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिया कि वे BJP के लिए पुरजोर मेहनत करें, उसे आगे बढ़ाएं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने विजयदशमी के भाषण में 100% वोटिंग की अपील की। इमरजेंसी के बाद ये पहली बार था जब संघ युद्ध स्तर पर चुनाव अभियान में जुटा था। 13 दिसंबर 2013 की बात है, BJP संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी। अडवाणी अपने आवास से निकलने ही वाले थे कि गडकरी का फोन आ गया। उन्होंने बताया कि बैठक में नरेंद्र मोदी को PM पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर फैसला लेना है। इस बीच अडवाणी ने राजनाथ सिंह को एक पत्र में लिखा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं परेशान हूँ, अब बेहतर होगा कि मैं बैठक में शामिल ना हूँ। लालकृष्ण अडवाणी को छोड़कर 12 सदस्य बोर्ड का हर सदस्य उस बैठक में शामिल हुआ था। इसमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना था, लेकिन अडवाणी वहां नहीं थे। संघ और BJP के नेता चाहते थे कि मोदी के नाम की घोषणा के वक्त अडवाणी बैठक में मौजूद रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अडवाणी का कहना था कि मोदी को उम्मीदवार बनाने से कांग्रेस के खिलाफ महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। मोदी के PM बनने से कई दल खुश थे और कई नाराज। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में उनके समकक्ष रमन सिंह ने ट्वीट करके मोदी की उम्मीदवारी का समर्थन किया था। JDU ने मोदी के नाम की घोषणा के बाद गठबंधन तोड़ दिया था। वहीं दूसरी सहयोगी पार्टी शिवसेना और अकाली दल ने इस फैसले का स्वागत किया था। 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में BJP ने 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया था। 26 मई 2014 की शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन कंपाउंड में नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। आखिर में जो 3 किस्से जो मोदी को मोदी बनाते हैं, अब हम आप उनके बारे में जानेंगे।
इन तीनों एपिसोड में हमने जाना कि कैसे गुजरात दंगों के बाद मोदी पर सवाल उठे। दंगों का सारा इशारा उनकी ओर किया गया, लेकिन विरोधियों पर ये उल्टा पड़ गया। इससे मोदी की लोकप्रियता घटने के बजाय और ज्यादा बढ़ गई। उन्हें हर तरह के आरोपों में क्लीन चिट मिली। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 24 फरवरी 2002 को राजकोट विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और करीब 14,000 वोट से वे चुनाव जीते। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के कोच में आग लग गई थी और जिसमें 59 कार सेवकों की मौत हो गई। इसके बाद भी गुजरात के कई ऐसे इलाके थे जहां भीषण दंगा और कई आगजनी देखी गई थी। गुजरात में हुए इन दंगे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी, जिसे दंगों से जुड़े 9 मामलों की जांच करनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने SIT को गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका की जांच अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी। यह आदेश पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी की शिकायत पर दिया गया था, लेकिन मोदी की छवि बिल्कुल साफ सुथरी निकली और कोई भी आरोप उन पर साबित नहीं हुआ। SIT ने मोदी को 11 मार्च 2010 को एक नोटिस जारी किया, जिसमें उनको आरोपों पर जवाब देने के लिए बुलाया गया था। जांच के बाद फरवरी 2011 में SIT ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट में मोदी को क्लीन चिट दे दी गई थी, जिसमें जाकिया जाफरी तंग हो गई थी और मोदी को क्लीन चिट देने के खिलाफ पेटिशन दायर कर दी थी। 27 दिसंबर 2013 को कोर्ट में जाकिया की याचिका खारिज कर दी गई थी और SIT ने मोदी को क्लीन चिट देते हुए अपनी क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी। दूसरी तरफ दंगों के बाद दिसंबर 2002 में गुजरात विधानसभा के चुनाव हुए और इस बार मोदी राजकोट के बदले मणिनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। 75,000 वोटों के अंतर से BJP ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की थी। इसके बाद लगातार मोदी मणिनगर सीट से करीब 1,00,000 वोट से जीतते रहे। मोदी को लेकर एक और किस्सा है जो बेहद रोचक है। बात 12 अप्रैल 2002 की है। गोवा में BJP की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी थी। गोवा के सफर में प्रधानमंत्री अटल के साथ थे। उनके अलावा विदेश मंत्री जसवंत सिंह और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अरुण शौरी भी जहाज में बैठे थे। गुजरात की चर्चा हुई तो जसवंत सिंह ने अटल से पूछा, आप क्या चाहते हैं? अटल ने कहा, मोदी को कम से कम इस्तीफे की पेशकश तो करनी चाहिए थी। गोवा पहुंचने के बाद अडवाणी ने मोदी से कहा कि उन्हें इस्तीफे की पेशकश करनी चाहिए थी। बैठक में मोदी ने गोधरा और बाद के घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बताया। मोदी ने अपना पूरा भाषण दिया और आखिर में कहा, फिर भी सरकार के मुखिया के बतौर मैं अपने राज्य में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। यानी गोधरा कांड के बारे में और गुजरात मुस्लिम में जो दंगे हुए थे, मोदी इनकी चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं इन सब की जिम्मेदारी लेता हूँ और अपना इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूँ। मोदी के इतना कहते ही बैठक का हॉल इस्तीफा मत दो के नारों से शोर से गूंज उठा। वाजपेयी हालत को समझ गए थे और बोले कि इस पर बाद में फैसला लेंगे। यह बात कोई माने या नहीं, लेकिन जग जाहिर है कि मोदी के युग में BJP ने संख्या बल, राज्यों में सरकार और वोट शेयर के मामले में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हासिल की है। 2014 में नरेंद्र मोदी के कमान संभालने के बाद 282 सीटों के बाद पहली बार अकेले पूर्ण बहुमत हासिल किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़कर 303 हो गई। तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी BJP ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। कार्यकर्ताओं के लिहाज से BJP खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है और लगातार BJP में कार्यकर्ता की संख्या बढ़ रही है। बल्कि अब तो ऐसी परिस्थितियां हैं कि अन्य दल अपनी पार्टी छोड़कर BJP में शामिल हो रहे हैं और ऐसा आज से पहले किसी पार्टी के इतिहास में नहीं हुआ। तभी आज कुछ भी होता है तो आमजन के साथ राजनीतिक पार्टियां भी कहती हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। यह हमारा मेरा देश मेरा प्रधानमंत्री कार्यक्रम का PM मोदी की कहानी का तीसरा एपिसोड था और आखिरी एपिसोड था। इसी तरह के भारत के अन्य प्रधानमंत्रियों की रोचक कहानियों के बारे में आपको बताएंगे। जब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया हो तो देश रोजाना को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।